दूसरों आईपीएल में मुंबई इंडियंस की टीम काफी बढ़िया रणनीतियों के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार आईपीएल का खिताब जीती है। हालांकि पिछले कुछ सालों से मुंबई की टीम आईपीएल के फाइनल में नहीं पहुंच पाई है, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। इस कारण से अगले साल होने वाले आईपीएल सीजन के ऑक्शन में मुंबई इंडियंस अपनी टीम को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करेगी। आईपीएल 2024 के लिए ऑक्शन का आयोजन 19 दिसंबर को दुबई में किया जाएगा। इसके लिए आईपीएल टीम ट्रेड भी कर रही है, जिसकी आखिरी तारीख 26 नवंबर है। इसी बीच मुंबई इंडियंस की टीम आने वाले इस ऑक्शन में 3 विदेशी खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर सकती है। इन 3 खिलाड़ियों ने हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड कप में भी कमाल का प्रदर्शन किया था। आइए हम आपको इन 3 खिलाड़ियों के बारे में बताते हैं, जिन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए मुंबई इंडियंस खास रुचि दिखा सकती है। साउथ अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड कप में कमाल का प्रदर्शन किया था। मुंबई इंडियंस की टीम योफ्रा आर्चर की जगह कोट जी को टीम में शामिल कर सकती है, क्योंकि आर्चर ने आईपीएल 2023 में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था और वह चोट की समस्या से भी काफी परेशान चल रहे हैं। इस कारण मुंबई की टीम उनकी जगह कोट जी को टीम में शामिल कर सकती है। श्रीलंका के युवा और स्पिनर गेंदबाज दुनित का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मुंबई इंडियंस की टीम राघव गोयल की जगह दुनित को अपनी टीम में एक स्पिनर विकल्प के तौर पर शामिल कर सकती है। आईपीएल 2024 के लिए मुंबई इंडियंस को एक बाएं हाथ के स्पिनर गेंदबाज की जरूरत भी है। इस लिस्ट में पैट कमिंस बड़ा और तीसरा नाम है। पैट कमिंस ने हाल ही में खत्म हुए वर्ल्ड कप में 15 विकेट हासिल किए थे और बल्ले से भी कुछ शानदार पारियां खेली थी। वहीं मुंबई इंडियंस को एक विस्फोटक बॉलिंग ऑलराउंडर की भी जरूरत है। वहीं आने वाले ऑक्शन में मुंबई इंडियंस पैट कमिंस के लिए बड़ा दाव लगा सकती है। तो दोस्तों, आपको इन 3 में से कौन सा खिलाड़ी ऐसा लगता है जिसे मुंबई इंडियंस अपनी टीम के साथ जोड़ना चाहेगी? आप हमें उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और क्रिकेट की हर जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।